जय हिंद प्यारे बच्चों, आज हम आप लोग सामने लॉक डोमिनेंट प्रभाविता के नियम वाले टॉपिक का चर्चा करेंगे। और इस पे चर्चा चूंकि पिछले वीडियो मैंने किया हुआ है, थोड़े से डिस्कशन के बाद मैं नेक्स्ट अगले टॉपिक पे तुरंत चर्चा करेंगे, लॉक सेग्रीगेशन पृथक्करण का नियम। और साथ ही साथ मेंडल की हिस्ट्री भी थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा। मेंडल जिन्हें आधुनिक फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, आधुनिक आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है, इनका जन्म 20 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया देश के ब्रून शहर के सिलिसिया नामक गांव में हुआ था। और नृत्य जनवरी 1884 में इनकी मृत्यु हुई। ये पादरी थे, प्रकृतिविद थे और एक भौतिक शास्त्री होने के साथ साथ इन्हें बागवानी का बड़ा शौकीन, बागवानी के शौकीन थे। ये अपने ही बागीचे में मटर के पौधे का के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था अपने ही उद्यान में, और मटर के पौधे को सेलेक्ट क्यों किया गया वो कैरेक्टर मैंने आपको या वो टॉपिक मैं आपको पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, याद ध्यान दिएगा। अब हम बात कर रहे हैं कि हिस्ट्री की बात की लेगी, जनवरी आई थिंक 4 जनवरी 1884 में मिल गई थी, 20 जुलाई 1822 दिन का जन्म हुआ था। और इनके नियम को 1902 में रीडिस्कवर किया गया था, जो पिछले वीडियो में बता चुका हूं। इनका पहला नियम था लॉ ऑफ डोमिनेंस, क्या नाम था, लॉ ऑफ डोमिनेंस प्रभाविता का नियम। मैंने कहा था कि इस नियम के अनुसार पहली पीढ़ी में जो संतति या संतान होंगे उनका वापस आपस में पहली पीढ़ी में जो भी संतति या संतान उत्पन्न होंगे सबके सब प्रभावी लक्षण वाले होंगे, यानी जब एक जोड़े लक्षणों को लेकर क्रॉस किया जाएगा तो सबके सब प्रभावी लक्षण वाले संतति या संतान उत्पन्न होते हैं। आपने एग्जाम्पल लिया भी हुआ था, आइए आज दूसरा एग्जाम्पल हम डिस्कस कर लें। अगर पीले बीज वाले का हरे बीज वाले के साथ क्रॉस कराया गया तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये गैमेट बनेंगे। ये आपका नर, ये आपका मादा क्रॉस किया गया, इसे कहेंगे पैरेंट, इसे कहेंगे मियोसिस हो रहा है, और इसे कहेंगे ईवन गैमेट। यहां ध्यान दीजिएगा, बस गैमेट पे ध्यान दीजिए, वाई का स्मॉल वाई से कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दूसरे वाले से कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तीसरे वाले से कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और चौथे वाले से कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये प्रभाविता के नियम के आधार पे सभी के सभी क्या होंगे, सभी संकरित पीले बीज वाले पौधे होंगे, सभी संकरित पीले बीज के पौधे। अब हम बात कर रहे हैं पृथक्करण का नियम, ला ऑफ ला सेग्रीगेशन, पृथक्करण का ध्यान दीजिएगा। पृथक्करण का नियम क्या कहता है, पृथक्करण का नियम यह कहता है कि जब पहली पीढ़ी के संतति या संतान जो भी उत्पन्न होते हैं, पहली पीढ़ी के संतति या संतान जो भी उत्पन्न होंगे उनको आपस में लेकर जब क्रॉस कराया जाता है, यानी पहली पीढ़ी में या किसी भी पीढ़ी में जो संतति या संतान उत्पन्न होंगे उनका लेकर के उन्हीं से कराया गया क्रॉस सेल्फ क्रॉस कहलाता है। क्या कहलाएगा, उनका उन्हीं से कराया गया क्रॉस
सेल्फ क्रास कहलाता है, यानी पहली पीढ़ी में उत्पन्न वाले संतति या संतान का जब हम आपस में क्रास कराते हैं तो इस दौरान सभी के सभी जो पौधे उत्पन्न होंगे उनमें एक पौधा पृथक लक्षण वाला होगा, इसीलिए इसे पृथक्करण का नियम भी कहते हैं। जब पहली पीढ़ी के उत्पन्न संतानों का आपस में क्रास कराते हैं तो उत्पन्न संतानों में एक पृथक लक्षण का संपत्ति या संतान उत्पन्न होते हैं, इसलिए इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। When self cross takes place between F1 progeny one progeny develop with recessive are different character from the other, then it called law of segregation. यहां आप क्रॉस देखिएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस कैपिटल आर स्मॉल आर। यहां राउंड सीड वाले की बात की जा रही है, राउंड सीड ये आपका मेल, ये आपका इसे कहते हैं F1 पैरेंट। यहां होगा आपका मियोसिस, इसे गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। दो नए युग्मकों का निर्माण होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। ये आपके जो बनेंगे ये कहलाएंगे F1 गैमेट्स। कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ पहली पीढ़ी में प्रभाविता के नियम में फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो दोनों सेम मिलता है, लेकिन लाभ सेग्रीगेशन में फिनोटाइप रेशियो आपका 3:1 मिलता है, जिसे जीन रूप कहते हैं। जीन रूप आपका 3:1 मिलेगा, सॉरी जीनोटाइप जीन रूप होता है, फिनोटाइप आपका दृश्य रूप होता है, दृश्य रूप। और फिर आपका जीनोटाइप जिसे जीन रूप कहते हैं, और जीन रूप आपका 1:2:1 मिलता है, क्योंकि देख लीजिए कैपिटल आर कितना 1, कैपिटल आर स्मॉल आर कितने 2, और स्मॉल आर कितने 1।
इसीलिए रेशियो वन रेशियो टू रेशियो वन ये आपका जीन में मौजूद है। कैपिटल आर कैपिटल आर अकेले एक जैसा है, कैपिटल आर स्मॉल आर दो एक जैसे हैं, इसलिए टू और स्मॉल आर अकेले एक जैसा है, तो वन रेशियो टू रेशियो वन ये आपका जीन रूप। और फिनोटाइप तीन आपके लंबे हो, तीन गोल बीज वाले होंगे और एक झुर्रीदार बीज वाला होगा, इसलिए तीन फिनोटाइप में तीन लिख सकते हैं गोल और एक झुर्रीदार। इसमें आप लिख सकते हैं थ्री राउंड सीड और वन रिंकल सीड। थ्री राउंड में वन प्योर राउंड, टू हाइब्रिड राउंड और एक आपका रिंकल्ड सीड। टोटल आपके चार मिलेंगे। यप्पन गैमेट ये आपका यप्पू जनरेशन मिलेंगे गैमेट, तो प्रोसेस होगा फर्टिलाइजेशन। और चूंकि पहली पीढ़ी के संतति या संतान ये गए थे, इसलिए उत्पन्न होने वाले संतति या संतान यप्पू प्रोजेनी यप्पू संतति कहलाएंगे। इस प्रकार ही लास्ट सेग्रीगेशन की बात करते हैं। पितृदर का नियम क्या कहता है कि जब पहली पीढ़ी के उत्पन्न संतानों को आपस में क्रॉस कराते हैं, यानी ये क्रॉस आपका सेल्फ क्रॉस होगा, तो उत्पन्न संतानों में एक पृथक लक्षण का संतति या संतान उत्पन्न होता है, इसलिए इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। व्हेन सेल्फ क्रॉस टेक्स प्लेस बिटवीन यप्पन प्रोजेनी वन प्रोजेनी डेवलप विद द रिसेसिव आर डिफरेंट कैरेक्टर फ्रॉम थ्री अदर देन इट कॉल्ड लास्ट सेग्रीगेशन। वन प्रोजेनी डेवलप विद रिसेसिव आर डिफरेंट कैरेक्टर देन इट कॉल्ड लास्ट सेग्रीगेशन। और ये जो उत्पन्न होगा ये यप्पू जनरेशन के दौरान यप्पू प्रोजेनी होगा, इसलिए इसे आपका पृथक्करण का नियम कहते हैं। इसमें रेशियो आपको मिलेगा फिनोटाइप 3 रेशियो 1 और जीनोटाइप 1 रेशियो 2 रेशियो 1। ये आपके सामने मैंने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को प्रस्तुत किया। यहाँ ध्यान से सुनिएगा, प्रभाविता का नियम क्या कहता है कि पहली पीढ़ी में जो संतान होंगे सबके सब प्रभावी लक्षण वाले होंगे। पृथक्करण का नियम क्या कहता है कि दूसरी पीढ़ी में जो संतान पहली पीढ़ी के लिए अगर क्रॉस कराए गई है उसमें से एक पृथक लक्षण का होगा और तीन प्रभावी लक्षण वाले होंगे, जिसमें से एक शुद्ध और दो संकरित होंगे। वन प्योर राउंड सीड, टू हाइब्रिड राउंड सीड और इसके बाद एक रिंकल्ड। यहाँ फिनोटाइप जो दिखता है तीन गोल बीज वाले और एक झुर्रीदार, इसलिए थ्री रेशियो वन। और जीनोटाइप जीन में कैपिटल आर अकेले, स्मॉल आर अकेले, कैपिटल आर स्मॉल आर दो, इसलिए रेशियो वन रेशियो टू रेशियो वन। तो यहाँ आपके सामने मैंने पृथक्करण के नियम को बिल्कुल क्लियरली आपके सामने डिस्कस किया। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर, प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और आप दिन प्रतिदिन सपोर्ट करते रहिए, आपको हमेशा ढेर सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।